कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बेडरूम, यहाँ पर हमें डबल बेड देखने को मिलेंगे। पता नहीं इसका क्या काम है, लेकिन फिर भी मैंने डबल बेड लगा दिए और बेडरूम के अंदर ही मैंने कई सारी चेस्ट भी लगाई है। इन केस मेरे पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारे डायमंड और बहुत सारी चीजें हो जाए तो मैं इनको यहाँ पर रख सकता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको लेके जाऊंगा ग्राउंड फ्लोर पे, जिसको वर्किंग फ्लोर भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल है। और ऊपर से मैंने यहाँ पर एक एरिया भी बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है वर्क प्लेस। तो इस वर्क प्लेस पे मैं करूंगा हमारे सूट के ऊपर काम, यानी कि इन फ्यूचर सारे सूट इसी जगह पर बनेंगे और मैं यहाँ पर ही सारा काम करूंगा। सो या यही था हमारा घर, और आपको ये घर कैसा लगा उसके बारे में आप कॉमेंट के अंदर 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग दे सकते हो। ओके गाइस, तो बड़े दिनों बाद मैं आराम की नींद सोने जा रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ कल होगा एक बड़ा ही बिजी दिन, क्योंकि मुझे अपने सूट के ऊपर काम करना है और इसके लिए मुझे चाहिए होंगे बहुत सारे रिसोर्सेज। तो सुबह होते ही मैं अपने काम पे लग गया, और आज के इस दिन में मेरा मेजर गोल था माइनिंग करना। इस बार की माइनिंग में मैंने टोटल 4 ओर के ऊपर फोकस किया, जो कि थे आयरन, गोल्ड, रेडस्टोन और टाइटेनियम। तो मैंने एक प्रॉपर माइन बनाई और माइनिंग करना शुरू किया, एंड माइनिंग की शुरुआत करते ही मुझे मिल गया हमारा पहला ओर, जो कि था ब्लैक आयरन। और ऐसे ही मैंने दूसरे कई सारे नए ओर को माइन किया, जिसमें शामिल था कॉपर, मैग्नेसाइट, रेड आयरन, पेलेडियम वगैरह वगैरह। माइनिंग से वापस आते ही मैंने जरूरत के ओर को स्मेल्टिंग पे लगाया, और फिर फाइनली कई सारी मेहनत के बाद मैंने अपना पहला सूट यानी कि स्टार्क अंडर आर्मर बना ही लिया। और इसको बनाने के साथ ही मेरे लुक्स और पावर दोनों ही बढ़ गए। तो इस आर्मर को पहन के मैं उड़ सकता था, जो कि एकदम लल्लम टॉप है। इसी बात पे मैंने अपनी बिना क्रिएटिविटी की उड़ान का मजा लिया। आगे मैं इस सूट की नई एबिलिटीज को ट्राई कर ही रहा था, तभी एक और बार ज़ॉम्बी होर्ड स्टार्ट हो गया। और इसी ज़ॉम्बी होर्ड के दौरान मुझे दो बातें जानने को मिली, जिसमें से एक बढ़िया और एक बुरी थी। तो बात करें बढ़िया बात की, तो जब तक मेरा सूट पूरी तरह से टूट नहीं जाता, तब तक मेरी 1% भी हेल्थ नहीं जाएगी। और बुरी बात यह है कि मेरा सूट इतना लो लेवल का है कि इसकी बैटरी 1 ही मिनट में उतर जाती है, यानी कि तब तक मेरा सूट वापस से चार्ज नहीं होता, तब तक मैं अपने सूट की एक भी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता। तो एक अनएक्सपेक्टेड फाइट के बाद हमारा सूट बहुत ही टूट गया है, लेकिन ये अपने आप रिपेयर हो जाएगा। बट इसको रिपेयर होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जब तक रिपेयर होता है तब तक मैं एक नए सूट के ऊपर काम शुरू कर दूं। तो अब हम काम करने वाले है हमारे नए सूट यानी कि Mark 01 पे। तो Mark 01 के ऊपर काम करने से पहले मैंने अपने घर को रिपेयर करने का डिसाइड किया, और इसको रिपेयर करते करते शाम हो गई। ओके, तो कई घंटों तक काम करने के बाद हमारा घर वापस से हो गया है टकाटक। आगे रात होने पर मैंने अपनी शक्तियों का वापस से इस्तेमाल करने का डिसाइड किया, और इस काम के अंदर मेरा पहला शिकार था हड्डी मकड़ी। मैंने मकड़ी के ऊपर रिपल्सर बीम और रिपल्सर ब्लास्ट का यूज किया, जिसमें मकड़ी को ठीक ठाक डैमेज पड़ी। बट तभी सूट की बैटरी खत्म हो गई और मुझे उसके साथ हाथों से लड़ना पड़ा। अबे रुक जा यार, मुझे पास में था कि मार्क वन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ओ भाई, बहुत ज्यादा चाहिए। तो मार्क वन को बनाने की सारी आइटम देखकर मेरा दिमाग घूम गया, और फिर मैंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। ओके, तो डिसाइड हो गया, पहले मैं बनाऊंगा Mark 1, फिर मैं जाऊंगा डायरेक्ट Mark 3 पे। Mark 2 को हम स्किप करेंगे, क्योंकि Mark 2 और Mark 1 दोनों ही सेम है, इन दोनों की शक्तियां भी सेम है, तो इसको बनाना क्या ही काम का, इसलिए मैं डायरेक्ट बनाऊंगा Mark 3। तो Mark 1 को बनाने के लिए हमें चाहिए थे TNTs, और उसको लाने के लिए मैं चला गया डिजर्ट टेम्पल को ढूंढने के लिए। बाय द वे, डिजर्ट टेम्पल से पहले मुझे एक शिप दिख गया, तो कि ऑब्वियसली पायरेट का लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको लूटने का डिसाइड किया। तो मैंने यहाँ के गुंडों को धोया नहीं, सिर्फ धोया नहीं बल्कि पानी में फेंक फेंक के धोया, और कुछ गुंडे तो अपने आप ही पानी में कूद गए। एनीवे, तो आगे शिप को लूटने के लिए मैं उसके अंदर गया, तो यहाँ पर था फुल सेटअप ऑफ एंसेंटमेंट, यानी कि एंसेंटिंग का बंदोबस्त हो गया है, अब मैं सिर्फ XP का बंदोबस्त करना है। बाय द वे गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट के अंदर अपने फेवरेट मार्वल कैरेक्टर का नाम लिखना मत भूलना। तो बेसिकली डिजर्ट के अंदर मुझे डिजर्ट टेम्पल तो नहीं मिला, लेकिन उसके जैसे दिखने वाला एक बिल्ड जरूर मिला, जिसके चारों तरफ TNTs थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से TNTs लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ की लूट को देखा तो मेरी आंखें गई, क्योंकि इसके अंदर थे 11 डायमंड और एक अल्ट्रा पावरफुल सोर्ड। तो घर आते ही मैंने वापस से काम शुरू किया, और मैंने बनाई पिस्टन, आयरन प्लेट, रॉकेट और कई सारी और चीजें। 5 दिन के लगातार काम के बाद मैंने फाइनली बना लिया Mark 1, एंड इसे बनाने के लिए मुझे कई सारे मॉब्स को मारना पड़ा ताकि मैं पॉइंट को इकट्ठा कर सकूं। पर कोई ना, क्योंकि अंत भला तो सब भला, और आपके सामने पेश है Mark 1। बिना किसी वेट के हम इसकी पावर को ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो हमारे पहले मुंह का नाम है फ्लेम थ्रोवर, और इससे
अबे यार घर जल गया। मित्रों रुकावट के लिए खेदे बकेटेड घर को बुझा के तुरंत ही वापस आएंगे, तब तक कृपया शांति बनाए रखे। डोंट वरी गाइस, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, थैंकफुली हमारा घर पूरा जला नहीं। एनीवे मार्क 1 दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और अब बारी है इसकी असली टेस्टिंग की। तो बेसिकली अभी मैं फ्लेम थ्रोवर और ड्यूअल फ्लेम थ्रोवर दो ही मूव यूज कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी के मूव को यूज करने के लिए हमें उसे अनलॉक करना पड़ेगा और उसके लिए हमें चाहिए होगा मॉड्यूलर डिवाइस। बट मैं अपने सारे पॉइंट्स को मार्क 3 के ऊपर करना चाहता हूँ, इसीलिए सब मैं मार्क 3 बनाऊंगा तभी मैं मॉड्यूलर डिवाइस भी बनाऊंगा। गाइस मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है, रिसेंटली मेरे ऊपर एक अटैक हुआ जिसमें मुझे बहुत ही बुरी तरह से धोया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसी बहाने मुझे मार्क 3 को बनाने का मौका मिल गया। सबसे पहले तो मैंने मॉड्यूलर डिवाइस बनाया जिसके लिए मुझे कलर फिल्टर बनाना पड़ा। आगे मैंने मार्क 3 के रिसोर्सेज को देखा और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने बनाया गोल्ड टाइटेनियम एलॉय, आर्क रिएक्टर और इसी के साथ मैंने बनाई इतनी सारी चीजें। ऑलराइट, तो ये मार्क 3 और इसे पहनने के बाद फाइनली मुझे आयरन मैन वाली फीलिंग आ रही है। तो इस सूट को मार्क 1 से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया गया है, वो भी सारी चीजों में। ओके, तो अब मैं इसके वेपन की टेस्टिंग करता हूँ। ओवरऑल पूरा सूट बहुत ही ऑसम है और अब वक्त आ गया है हमारे घर यानी कि स्टार्क मेंशन को वापस लेने का। तो फाइनली कई दिनों बाद मैं पहुंच गया हूँ हमारे मेंशन पे और यहाँ पर अभी तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही। तो मेन गेट से मैं नहीं जा पाया, इसीलिए मैंने पीछे का रास्ता यूज किया, लेकिन वो भी बंद था। बट डोंट वरी, क्योंकि मेरे पास है मोटा दिमाग, मैंने अपने मोटे दिमाग का यूज किया और दरवाजा तोड़ दिया। एक हीरो की तरह एंट्री मारते हुए मैं अंदर घुसा, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं था। थक हार के मैं मेंशन की लिविंग रूम में गया तो वहाँ पर मुझे दिखी डायन, हमारी विलन टोनी स्टार्क। अभी भी तुम जिंदा हो, बाय कैसा लगा एक स्मार्ट कूल इंटेलिजेंट सीनियर ब्रिलियंट बिलियनर प्लेबॉय को किडनैप होकर? मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, लेकिन थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और जहाँ तक बात है किडनैप की, तो ये मेरे लिए किडनैपिंग कम और एक सबक ज्यादा था। जान के अच्छा लगा कि तुम अभी भी वही बेवकूफ हो जो कि अपने ईगो में खोया रहता है। रुको रुको दीदी रुको, मैं आपके इंट्रो में इंटरप्ट करना नहीं चाहता, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो जल्दी से खत्म करते हैं। बोलो बोलो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कोई ना कहाँ मरना पसंद करोगे, घर के अंदर या बाहर? दीदी बाहर लड़ते हैं, अभी अभी रेनोवेट कराया है, खर्चा बढ़ जाएगा। तो लंबी डायलॉग बाजी और शब्दों के कुरुक्षेत्र के बाद फाइनली वक्त आ गया है असली कुरुक्षेत्र के अंदर जाने का। डायन सच में एक डायन है और ये इतनी शक्तिशाली है कि मैं इसके पास में जाकर उड़ नहीं सकता। मेरा सूट भी टूट गया है, यानी कि सारी डैमेज अब मुझे डायरेक्टली ही पड़ेगी, इसलिए अगर मैं इसके पास गया तो मैं पक्का मरूंगा। लेकिन मैं उसके पास नहीं गया तो वो मेरे पास आ गए और गलती से मैं उसके सामने गिर पड़ा। लकीली मैंने अल्ट्रा पावरफुल सोर्ड का यूज किया और फाइनली डायन को मार दिया। ये बहुत ही बड़ा क्लोज कॉल था, अगर एक भी गलती होती तो मैं मारा जाता। तो फाइनली वक्त आ गया है हमारी इस बड़ी सी जीत को सेलिब्रेट करने का। लेकिन लेकिन आपको तो पता ही है कि हर एंडिंग गुड एंडिंग नहीं होती, उसी तरह टोनी स्टार्क के सामने आया कहानी का असली विलन। अरे नहीं, अब ये कौन है? दिखने में तो ये अच्छा इंसान, इंसान ही नहीं बल्कि एक दानव लग रहा है। मुझे इसको मारना पड़ेगा, लेकिन मेरा एक भी वार इसको लग नहीं रहा। आई थिंक मुझे इसके और करीब जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा, मुझे इसके और करीब जाना पड़ेगा। रुको रुको, मेरा सूट इतना गर्म क्यों हो रहा है? नहीं,
मैं तो मारा गया था। और ये कौन है? थोर?